नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था वो किस तरह से आया हुआ था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरना है और अपना नाम। इसके बाद यहाँ पे आपको नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। तो इस तरह से आप यहाँ पर दिए गए कुछ निर्देश हैं, निर्देशों को पढ़ करके आप अपने आंसर शीट में आंसर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रश्न शुरू करते हैं खंड क बहुविकल्पी प्रश्न से। यहाँ पे निर्देश दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। यहाँ पर आपको चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से एक राइट होगा क ख ग घ, और इसके लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से एक ऑप्शन जो है वो राइट होगा, इसके लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। अब तीसरा देखते हैं कि नेपोलियन का संबंध किस देश था। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर चार है इसे पढ़ते हैं। तो ये दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने जो नमक था उसको क्यों अत्यधिक महत्व दिया था। तो यहाँ पे क ख ग घ करके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, इसके लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से एक राइट होगा, इसके लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर छह, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई क 2005 में, क 2006 में, 2008 में और 2015 में। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको एक जो राइट होगा वो भरना होगा। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर सात है। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इसके दो कारण लिखिए। तो आपको क्यों कहा जाता है इसके लिए एक नंबर दिया जाएगा, और इसके जो आप दो कारण लिखेंगे उसके लिए आधा आधा नंबर निर्धारित होगा जिससे आपको एक नंबर मिलेगा। कुल मिला के आपको सातवें क्वेश्चन पे दो नंबर दिया जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके दो कारण दीजिए। तो यहाँ पे आपको दो कारण देने पर दो मार्क्स दिए जाएंगे, एक कारण पर एक मार्क्स। क्वेश्चन नंबर नाइन, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, उसमें से किन्हीं दो दलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अगर आप संख्या लिख रहे हैं राइट, तो आपको एक मार्क्स दिया जाएगा, और आप जो दो दल के नाम लिख रहे हैं उसके लिए आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा। कुल मिलाकर के आपको दो मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं कि मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपको तीन मार्क्स का है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे अथवा करके दिया है कि 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे, किन्हीं तीनों का उल्लेख कीजिए। तो आपको तीन उल्लेख करने पर आपको तीन मार्क्स दिया जाएगा, एक एक मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी आपको तीन मार्क्स दिया जाएगा, अथवा करके आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में दो अंतर बताइए, इसके लिए आपको जो है डेढ़ नंबर दिया जाएगा, 1.5 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 12, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है वहां पे है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके चार लक्षण लिखिए। तो आप अगर संघीय व्यवस्था के बारे में लिखते हैं तो आपको दो मार्क्स, और इसके चार लक्षण लिखने पर आपको चार मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव से क्या आशय, इसके लिए आपको दो मार्क्स, इसके कारण बताइए, इसके लिए आपको दो मार्क्स, और इसे समाप्त करने के दो उपाय लिखिए, इसके लिए आपको दो मार्क्स दिए जाएंगे। कुल मिला के आपको इस दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर छह मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, महाबंदी का क्या आशय है, महाबंदी अगर आप आशय इसका लिख सकते हैं तो आपको दो मार्क्स, इसके दो कारण के लिए दो मार्क्स, और इसके दो प्रभाव के लिए दो मार्क्स आपको दिया जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, इन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको चार का उल्लेख करने से डेढ़ डेढ़ मार्क्स मिलेंगे, जो मिलाकर कुल छह मार्क्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 होता है वो मानचित्र से संबंधित होता है। तो आइए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया है उसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थान को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा, ये जो चिन्ह आपको दिया है इस चिन्ह के द्वारा आप
भरना है। तो अब आप अगर आपका अंकन सही है कि आप किस प्रकार से लिखते हैं तो आपको लिए आधा मार्क्स, और अगर आपने उसका नाम सही लिखा है तो आधा मार्क्स। तो आइए पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, दूसरा है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तीसरा है वह स्थान जहां कांग्रेस को सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ, चौथा है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्या कांड की घटना घटी थी। इन सभी के लिए आपको एक एक मार्क्स दिया जाएगा। इस तरह से जो मानचित्र होता है उससे आपको 5 मार्क्स दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो हमने यहाँ पे जो मानचित्र दर्शाना था ये तो जो दृष्टिबाधित नहीं थे उनके लिए था, और यहाँ पे जो दृष्टिबाधित है उनके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया, 1 मार्क्स। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तीसरा है सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस स्थान पर स्वीकार किया गया, जलियांवाला बाग की घटना किस राज्य में घटी। तो अब खंड ख जो कि भूगोल और अर्थशास्त्र आदि इन सबसे संबंधित है, नागरिक शास्त्र से, तो यहाँ पे जो 15वां क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारा के द्वारा आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है क ख ग घ, जिसमें से एक राइट होगा और आपको वहां पर 1 मार्क्स दिया जाएगा। और 16वां जो होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई, जिसमें से क है 2008, ख है 2010, ग है 2005, ख है ग है जो 2000। इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, इसके लिए भी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से 1 ऑप्शन जो है वो सही है, और उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और 1 मार्क्स दिया जाएगा आपको। और दो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता, निर्यातक का मतलब यहाँ पे जो भारत है वो ऐसी यहाँ पे दिए ऑप्शंस में कौन सी वस्तु है जिसका वो क्या करता है कि दूसरे देशों में निर्यात नहीं करता है, इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न से है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, केरल के अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, कि जो केरल राज्य है और अन्य जो 28 स्टेट्स बसते हैं उसमें जो शिशु मृत्यु दर है वो केरल के राज्य के संदर्भ में क्यों अत्यधिक है, या फिर आप कह सकते हैं केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। तो इसके लिए अगर आप इसे अच्छे से लिख पाते हैं तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो ये है आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न आता है और 24वां क्वेश्चन है हमारा कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, 3 भौगोलिक अगर आप दशाओं का वर्णन करते हो तो आपको 1-1 मार्क्स दिए जाएंगे तीनों पर। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये लिख सकते हैं कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में संक्षेप में लिखिए, इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक विकसित देश की क्या विशेषता होगी स्पष्ट कीजिए, जो एक विकसित देश होता है जो अपने आप में पूरा पूर्ण होता है उससे की क्या विशेषता होती है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको यह नहीं आता है तो अथवा में जो दिया है आपको क्वेश्चन की उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए, इसके लिए 3 भौतिक कारक बताने के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, मृदा अपरदन जो कि दीर्घ उत्तरी है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय, अगर आप इसे लिख पाते हैं तो आपको 2 मार्क्स, अगर मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन, अगर आप इसमें 4 से 6 कारण लिखते हैं
तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा और कुल जोड़ के आपको 6 मार्क्स इस क्वेश्चन पर दिया जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन का अथवा वाला कर सकते हैं कि भारत में आर्थिक विकास में परिवहन संसाधन का क्या महत्व है, कि जो भारत का आर्थिक विकास है उसमें हमारे पास जो परिवहन होते हैं, जो परिवहन के साधन हैं, उनका क्या महत्व होता है, कि आर्थिक विकास जो है परिवहन के माध्यम से ही हो सकती है। इसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। इसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे कि जो उपभोक्ता होता है, जो खरीदार होता है, वो उसका उनका शोषण किस प्रकार से किया जाता है, इसे आपको अच्छे से उदाहरण देकर, अगर आप 2 या 3 उदाहरण दे सकते हैं अच्छे से, तो इस पे आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत समस्या हो रही है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे अब हमारे पास मानचित्र के कार्य भी हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत का कोई एक पंतन बंदरगाह लिखिए जो पश्चिमी तट पर स्थित हो, और इसे इस चिन्ह के द्वारा, ये जो चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, इस चिन्ह के द्वारा क्या करना है, उसका नाम और ये चिन्ह, अगर आपका नाम सही है तो आपको आधा नंबर, और अगर आपका जो स्थान है वो भी सही है तो आधा नंबर दिया जाएगा। दूसरा है, भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को कोई एक केंद्र, इस जो ये यहाँ पे दिया गया है सिंबल, उसके द्वारा आपको सूचित करना है, अंकित करना है, तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा है, इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग इस प्रकार से, ये जो आपको दिया है यहाँ पे सिंबल, इस प्रकार से लिखना है, और इनके भी तो मुंबई, इलाहाबाद और मुंबई के बीच में कोई एक स्टेशन का आप नाम लिख सकते हैं, जिसमें से कुछ स्टेशन जैसे हैं कटनी है, सतना, जबलपुर, नागपुर, इस तरह से आप इसमें से कुछ लिख सकते हो। इसके बाद अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र इस सिंबल के द्वारा अगर आप चिन्ह कर सकते हैं, और उसका नाम भी अगर आपको सही है तो 1 मार्क्स। इसके बाद पांचवा है कि डल झील चिन्ह के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा डल झील आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे, इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अब हम अपना देखते हैं, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, जो मतलब कि उनको दृष्टि देखने में समस्या है, उनके लिए ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि भारत में किसी एक हवाई पंतन का नाम लिखिए, जो भारत में हवाई अड्डा होता है, जिसे आम भाषा में लोग हवाई अड्डा कहते हैं, उनका नाम आपको लिखना है, इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। दूसरा है कि दक्षिणी भारत के किसी एक नदी का नाम, जो दक्षिण भारत है उसका अगर आप किसी एक नदी का नाम लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तीसरा है, चाय उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखिए, तो चाय उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। फिर इसके बाद चौथा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसमें आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। डल झील किस राज्य में स्थित है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।